बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदारा एजुकेशन के ASP.NET वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजूद बात करने जा रहे हैं वो है इम्प्लीमेंटिंग मास्टर पेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मास्टर पेज है क्या चीज़। ASP.NET मास्टर पेजेस अलाउ यू टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट लेआउट फॉर द पेजेस इन योर एप्लीकेशन। A single master page defines the look and feel and standard behavior that you want for all of the pages for a group of page. यानी आपने basically एक designing कर ली जो आप हर पेज पे चाहते हैं कि आपको वो मुयस्सर आए, ऐसे पेजेस के लिए आप क्या बनाएंगे, मास्टर पेज। You can then create the individual content pages that contain the content you want to display. और फिर आपने उसके साथ आपने अलग अलग पेजेस बनाने हैं जिनको आप चाहते हैं कि उनके ऊपर मेन स्क्रीन रहे। दे मर्ज विद द मास्टर पेज टू प्रोड्यूस आउटपुट दैट कंबाइन द लेआउट ऑफ द मास्टर पेज विद द कंटेंट फ्रॉम द कंटेंट पेज। इसको कवर करने के लिए हम जो चार नेक्स्ट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ मास्टर पेज वर्क्स, एडवांटेजेस ऑफ मास्टर पेजेस, रन टाइम बिहेवियर ऑफ मास्टर पेजेस, मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज पाथ्स, मास्टर पेज एंड थीम्स, स्कोपिंग मास्टर पेजेस एंड रिलेटेड टॉपिक्स और रेफरेंसेस। सबसे पहले हमें देखना ये कि हाउ मास्टर पेज वर्क। मास्टर पेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, मास्टर पेज इटसेल्फ एंड वन और मोर कंटेंट पेज। अगर आपने मास्टर पेज बना लिया और आपने उसके साथ जो है वो नहीं किया, कोई कंटेंट पेज नहीं दिया, तो पॉसिबल नहीं है कि आपके मास्टर पेज की एनालॉजी वर्क करे। अ मास्टर पेज इन ASP.NET फाइल विद द एक्सटेंशन डॉट मास्टर। अब अगर आप एक वेबसाइट पे आए फाइल न्यू वेबसाइट कीजिए, ASP.NET फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी वेबसाइट कर लें, नाम से भी स्टोर होगी क्योंकि अभी इशू जो है वो जी। अब आप देखेंगे कि ये सब खाली है फाइल्स के अंदर, सिर्फ एक वेब डॉट कॉन्फिग की फाइल मौजूद है। आप इस पर राइट क्लिक करें और ऐड करवाएं, ऐड ऐड न्यू आइटम। अब आप यहाँ पे देखें तो लास्ट टाइम तक हम बात कर रहे थे वेब फॉर्म की, आज हम बात कर रहे हैं मास्टर पेज की। मास्टर पेज के नीचे फाइल में आकर देखेंगे तो यहाँ पे मास्टर पेज डॉट मास्टर की एक्सटेंशन होगी, जो अभी आपसे कहा जा रहा था डार एजुकेशन के अंदर हमने आपसे बात कर रहे थे कि जो मेजर एक्सटेंशन आती है दैट वाज डॉट मास्टर। मास्टर पेज इन ASP.NET फाइल विद एक्सटेंशन डॉट मास्टर, फॉर एग्जाम्पल माई साइट डॉट मास्टर, अभी आपने देखा मास्टर वन डॉट साइट। बेसिकली डॉट मास्टर फाइल के साथ आप जो भी नाम दे रहे हैं विद द प्री डिफाइंड लेआउट दैट इंक्लूड स्टैटिक टेक्स्ट, HTML एलिमेंट्स एंड सर्वर कंट्रोल। द मास्टर पेज इज आइडेंटिफाइड बाई अ स्पेशल एट द रेट और फिर मास्टर डायरेक्टिव दैट रिप्लेस द एट द रेट पेज डायरेक्टिव दैट इज यूज फॉर ऑर्डिनरी डॉट ASP.NET पेज। द डायरेक्टिव लुक लाइक द फॉलोइंग, जैसे कि परसेंटेज
at the rate sign and then master language is equal to C#. ये आपको inform करेगी कि आपकी directive कौन सी है, ये कौन सा पेज है और पहले पेज कौन सा रहा 0. तो जब आपने मास्टर पेज भेजा है, अभी हमने फॉर एग्जाम्पल माई अभी इसने नीचे मास्टर पेज डॉट मास्टर रखा है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मास्टर पेज डॉट मास्टर ही रखा हुआ है, लेट्स गो मैं इसको ऐड कर देता हूँ. देख के आपकी फाइल जो है ये ऐड हो गई, जो भी नाम आपने रखा, लेकिन आपने किसी भी फाइल के ऊपर जो डायरेक्टिव्स हैं उसके ऊपर बात करनी. तो अगर आप सबसे ऊपर देखें तो स्पेशल कैरेक्टर है कि जो मास्टर पेज फाइल होगी उसके आगे सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एट द रेट ऑफ मास्टर लैंग्वेज इज इक्वल टू शिक्षा. यही अरदास हम आपसे कर रहे हैं ताकि आप इसको पढ़ सकें, एट द रेट मास्टर लैंग्वेज इक्वल टू शिक्षा. इसका मतलब ये है कि आपने जो पेज है ये पेज नहीं है जेल पे, ये एक मास्टर पेज है, इसलिए एट द रेट पेज को बता के यहाँ पे एट द रेट मास्टर लिखा. इसके अंदर आप कहते हैं एस्टिमेट भी लिख सकते हैं, कंट्रोल भी लिख सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट यू कैन प्लेस इट हियर. आप CSS अटैच कर सकते हैं. द एट द रेट मास्टर डायरेक्टिव ये डायरेक्शन है बेसिकली, कैन कंटेन मोस्ट ऑफ द सेम डायरेक्टिव दैट एट द रेट ऑफ कंट्रोल जो है डायरेक्टिव कैन कंटेन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल the following master page directive include the name of the code behind file and assign the class name to the master page. अगर आप जरा गौर पे करें तो आप भी यहाँ ऊपर देखेंगे कि auto event wireup true code file is equal to master page dot master dot cs और inherit कहाँ से कर रहा है, बेसिकली ये आपकी master page से आपकी class को inherit कर रहा है. अगर आप इसके डिज़ाइन में आएँ तो अभी आपको इसके डिज़ाइन में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ये ब्लैंक पेज होगा, लेकिन आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई मेन्यूज या वट एवर आप जो भी बनाना चाहें वो एक पेज के तौर पे यहाँ पे रहेगा. अभी हम आगे चलते हैं, देन वी विल डिस्कस दिस. इन एडिशन टू द एट द रेट ऑफ मास्टर डायरेक्टिव द मास्टर पेज आल्सो कंटेन ऑल ऑफ द टॉप लेवल HTML एलिमेंट्स फॉर अ पेज सच एज HTML हेड एंड फॉर्म. For example, on a master page, you might use an HTML table for the layout and image element of your company logo, static text for the copyright notice, and server control to create standard navigation for your site. आपने जो logo बनाना है, जो values बनाने हैं, खाओ आपने CSS के थ्रू बनाने हैं, आपने JPEG के थ्रू है, जो भी आप चाहते हैं कि आपका ये पेज के ऊपर नीचे रहेंगे दैट विल बी प्लेस्ड हियर. इन एडिशन टू द स्टैटिक कंट्रोल्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें जाते हैं और लेट्स सपोज में एक इंसर्ट करता हूँ टेबल को यहाँ पे, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, टू रोज एंड टू कॉलम, लेट्स सपोज में टू रोज एंड टू कॉलम. अगर आप इसके अंदर सोर्स में आए और इसका फॉर एग्जांपल टाइटल है, इसको मैं चेंज करके लेट्स सपोज डार एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इन उर्दू, ये लेट्स सपोज मेरा ये आ गया, ये टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. इसी तरीके से हेड कंटेंट में आपने जावास्क्रिप्ट वट एवर जो भी आपने इनिशियलाइजेशंस वगैरह रखनी है वो आप रख सकते हैं. अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो इसमें टाइटल भी के बाद स्टाइल वगैरह भी आ रहा है यहाँ पर, इसकी कोई कलरिंग कोई का जो है वो आपने ऑटो स्टाइल वन किया हुआ है. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थोड़ी सी CSS की कमांड्स भी लगा रहा हूँ, H1 जो है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल कलर, और मैं एज़ोर कलर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं
अब जैसे मैंने एक सी एस एस ले लिया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं उसको कर सकूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि लेट्स सपोज एक डिज़ाइन व्यू में जा रहा हूँ और मैं एक टी डी के अंदर अब इसको मैंने एच वन लेना है, तो मैं एच वन कैसे लूँगा? ये देखें, ऊपर भी आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के नज़र आएंगे, जैसे कि ये एच वन है और इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब जैसे ये कलर आपने देखा, मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने मैंने अजोन कलर रखा कि आपने अगर जो जाके यहाँ स्प्लिट में के एच वन की हेडिंग में आप इसको चेंज करें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ कैसे चेंज हो गई। कलर और एक्टिव कैप्शन, एक्वा, बैकग्राउंड, बिस्किट, ब्लेंच एलिमेंट करें। अब आप देखें कि ये इस तरह से कलर इसका चेंज हो गया। अब अगर मैं ये सारे पेजेस पे इसका बैकग्राउंड कलर करना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं बॉडी दूंगा, ये सी एस एस है बेसिकली, बैकग्राउंड कलर, और मैं थोड़ा सा एंटी बटन फेस, बटन हाईलाइट, बहुत सारे कलर्स हैं, और क्रिम्सन आई पता चल जाता है कि ये कलर येलो, ये आपकी क्रिम्सन कलर से आपका ये डिज़ाइन तैयार है। आपने जो मेहनत करनी है, जो भी वर्किंग करनी है, आपने सबसे पहले मास्टर पेज पे करनी है। आपने जो लोग जो मेन्यू जिस तरह से आप ड्रीम वीवर में टेम्पलेट बनाते हैं, इस तरह से आपने यहाँ पे टेम्पलेट बनाना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लोगो चाह रहा हूँ, तो मैं लोगो के लिए कैसे करूँगा? आपने अगर यहाँ पे एक फोल्डर बना लें, ऐड न्यू फोल्डर लाइक दिस इमेजेस का, और आपके पास कोई फॉर एग्जांपल इमेजेस पड़े हुए हैं डाउनलोड्स में, फॉर एग्जांपल इमेजेस, खराब हो गए जैसे ये कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं इनमें से डार एजुकेशन का लॉगो है बिल्कुल, जस्ट पुट इट अप हियर, इस इमेजेस में मेरा इसको रीनेम करना चाहें तो आप इसको रीनेम करके लेट्स सपोज लॉगो डॉट पी एन जी कर लें। बेहतर तो ये है कि आप टूल का इस्तेमाल करें, यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ रहा है, आप इमेज उठाएं यहाँ रख दें, ये इमेज जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आए, आप देखें इमेज यूआरएल नज़र आ रहा है आपको, आप इसमें से इमेजेस और यहाँ से लॉगो डॉट पी एन जी, आपको कोडिंग करने की एज इट इज़ कत्तन भी ज़रूरत नहीं है, आपका ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। लेट्स सपोज अब अगर आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखना हो तो एजुकेशन फॉर ऑल एनर्जी, लेट्स सपोज आपने जो किया, अगर आपने फिर मैं मुझे उसे थोड़ा सा आई थॉट के कलर का इशू आ रहा है मुझे कि कलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम किसी और कलर पे जा रहे हैं, तो मैं बैकग्राउंड कलर्स H1 की हेडिंग को मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ,
के बॉर्डर बैकग्राउंड्स ब्राउन कर देता हूँ एंड बैकग्राउंड कलर को क्रीमिश कलर करके देखते हैं, मिंट क्रीम सो गुड। बहरहाल जी डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट तैयार है और आप समझ लें कि इसी में आपने सारे फुटर और हेडर वगैरह आपने बनाने। तो अब ये एक एप्लीकेशन हमारी बनती जाएगी, अब आप अपनी इदारा एजुकेशन पे आ जाएं। तो सिमिलरली यू कैन सी दैट कि रिप्लेस कंटेंट प्लेस होल्डर्स, कंटेंट प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, इन एडिशन टू द स्टैटिक टेक्स्ट एंड कंट्रोल दैट विल अपीयर ऑन ऑल पेजेस, जो हर एक पेज पे आपके यहाँ पे आने, द मास्टर पेज आल्सो इंक्लूड ऑन मोर कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल, दीज प्लेस होल्डर कंट्रोल डिफाइन रीजन्स वेयर रिप्लेसेबल कंटेंट विल बी अपीयर, इन टर्न द रिप्लेसेबल कंटेंट डिफाइन कंटेंट पेजेस, आफ्टर यू हैव डिफाइंड कंटेंट पेज अ मास्टर पेज माइट लुक लाइक द फॉलोइंग। अगर आप ज़रा गौर करें तो अभी मैंने पेज हेडिंग आपकी चेंज की है और इमेज लगाया टाइटल किया, लेकिन इससे पहले आप जब मास्टर पेज बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो कोडिंग होती है वो कुछ इसी तरह से होती है, टेबल टी आर, और उसके अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक मेन नज़र आता है, इसको मैं सोर्स पे जा रहा हूँ, यहाँ देखें कंटेंट होल्डर एक आपका मेन था और अब हमने यहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर ID is equal to content placeholder, run net is equal to server, और जब हमने ऊपर किया है तो वो सारा हमारा यहाँ पे काम परफॉर्म हो रहा है और ये फॉर्म की बॉडी के अंदर है। अब टेबल और TDR, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, टेबल TR और उसके अंदर हमने फॉर्म वन के अंदर बनाया है कि TD ASP content placeholder ID is equal to main और हमने उस TD को बंद कर दिया। अब हमारी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो मेन के अंदर आएगी और एक हमारा फुटर होगा, तो हम उसको दोनों चीज़ों को बनाने के लिए हम भी इसी तरीके से कंटेंट प्लेस होल्डर, और ये देखेंगे फॉर्म के अंदर ही है और इसका नाम मैंने फॉर एग्जांपल मेन कर दिया, लेट्स सपोज, ताकि ये सिर्फ हमारी यादाश्त में रहे। अब मैं साथ में अगर कमेंट्स दे दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक मैं और प्लेस होल्डर दे रहा हूँ, इसका नाम मैं फुटर के तौर पर रखता हूँ। अब जितनी भी आइंदा आने वाली चीज़ें होंगी वो सारी की सारी मेन कंटेंट प्लेस होल्डर में जाएंगी, तो जो आपका फुटर होगा दैट विल बी देयर। अब आते हैं जी कंटेंट पेजेस, मास्टर पेज में समझ लें कि मैंने यही डिज़ाइन करने थे, या लेट्स सपोज आपने कोई बटन बनाने हैं, उनके पेजेस बनाने हैं, लेट्स सपोज मेन्यूज बनाने हैं, वट एवर। अब अगर आप कहते हैं तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिज़ाइन में आके लेट्स सपोज मैंने ये सिर्फ एक खाना बनाया हुआ था, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, इसको एक सेल को पहले करें, इसको मैं स्प्लिट इनटू टू कॉलम्स, सिमिलरली स्प्लिट इनटू टू कॉलम्स, सेल्स को टू कॉलम्स में मैंने चार कॉलम्स फॉर एग्जांपल बना दूँ, इसमें समय लें। ये करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास एक वैरायटी है इसकी कंट्रोल्स की, जैसे ये मेन्यू कंट्रोल है नेविगेशन के लिए, तो अगर आपने इस तरह से एक अकेला अगर बटन बनाने हैं तब भी आप ठीक हैं, लिंक बनाने हैं तब भी ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने लिंक बनाने हैं तो क्या होगा, तो लिंक बनाने होते तो फिर आपने यहाँ पे जैसे कि होम का बटन लिखते और उसका लिंक दे देते, फिर आप इसी तरीके से कोर्सेज का बनाते लिंक दे देते, आप फॉर एग्जांपल यूज़फुल लिंक बनाते, लिंक्स बनाते और नेक्स्ट में आप फॉर एग्जांपल कंटेक्ट अस बनाते, लेट्स सपोज सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू दैट, फिर उसका ई एच आर ई एफ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेट्स सपोज आपका कंटेंट है।
अब इसी तरीके से अगर आप मेन्यू को उठाते हैं तो ये आपके लिए पूरा एक ऑटो फॉर्मेटिंग दे देगा। अगर आपने ऑटो फॉर्मेट एडिट मेन्यू आइटम्स कन्वर्ट टू डायनामिक और ऑटो फॉर्मेट पे आए तो ऑटो फॉर्मेट पे आपके पास ये चार पांच व्यूज नज़र आ रहे हैं। बहरहाल नेट से और भी हमारे पास अवेलेबल हैं, कलरिंग भी अवेलेबल है, बहुत सारे आपके पास अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज मैं एक इनमें से कोई मिलता जुलता हम उठा लेते ओके कर दें। अब इसके अंदर आपने इसके लिए कन्वर्ट टू एडिट टेम्पलेट, अब इसमें टेम्पलेट आपके पास आ जाएंगी कि कौन सी आपने टेम्पलेट लिखनी है, डायनामिक आइटम टेम्पलेट लिखनी है या आपने जो भी लेनी है वो आप वापस आके यहाँ पे कर सकते हैं। अब डायनामिक और स्टैटिक का फ़ायदा ये है कि वो आपके एक जैसे रहेंगे और डायनामिक आपका डेटाबेस से उठा के उसके मुताबिक आपके मेन्यूज़ बनाएंगे। अभी क्योंकि शुरुआती हैं इसलिए मैं यहाँ पे चूज डाटा सोर्स वगैरह नहीं दे रहा और मैं सिर्फ एडिट कर रहा हूँ मेन्यू आइटम्स को। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आइटम ऐड करना चाहता हूँ, पहला मैं एक अभी इमेज यूआरएल दिया जैसा नेविगेट आपने यूआरएल दिया, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर। लेकिन अभी आप इसके अंदर लेट्स सपोज होम बना दें, इनके आगे फर्दर निकालने तो ऐड चिल्ड्रन आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और बना रहा हूँ होम के बाद कोर्सेज, अब कोर्सेज के आगे मुझे निकालना है तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट वाला एलिमेंट इसके चूज किया और फॉर एग्जांपल उसमें आ सकता है पीएचपी, नेक्स्ट आ सकता है ये पीएचपी के अंदर भी निकल जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक हो गया, अब मैंने इसी लेवल पे लेना है तो उसको आप नेक्स्ट भी फर्दर मूव कर सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये है इस तरीके से इसका लेवल आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पीएचपी है और एएसपी डॉट नेट है इस तरीके से डिलीट करें तो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ASP.NET है और आप फॉर एग्जांपल आपने लेवल देखना है कि आपने इसको किस लेवल पे इंडिकेट करना है कि नेक्स्ट लेवल पे आप करेंगे तो आप यहाँ से आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इसको आपने नेक्स्ट लेवल करना है तो ये नेक्स्ट लेवल है, एक जैसे लेवल पे आ जाएंगी। ASP.NET है, लेट्स सपोज जावा है, ये तीन है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करके नेक्स्ट करें, कोर्सेज हैं आपके होम कोर्सेज यूजफुल लिंक्स, नेक्स्ट एक और ऐड कर लें कंटेक्ट अस, ये आपके अभी नेविगेशन हम सेट कर सकते हैं। मास्टर पेज को आप जब चाहें तब्दील कर सकते हैं, यू कैन से दैट कि ये इस तरह से कोई कोर्सेज बन रहे हैं। ये हमारे स्टैटिक आइटम्स हो गए और ऑटो फॉर्मेट आपके पास क्लासिकल है, कलरफुल है, प्रोफेशनल है, सिंपल है। तो यू वांट सच काइंड ऑफ थिंग जो भी आप उसको करना चाहते हैं आप अप्लाई कर दें। ये कुछ इस तरह से आप नहीं इसमें से फर्दर आपके निकल, मैंने आपके सामने दोनों रखने का कि आपको ये समझने में आसानी है। अब आप वापस आते हैं तो लेट्स सपोज यही आपको जो बता रहा था मैं, यू टू फाइंड द कंटेंट फॉर द मास्टर पेज प्लेस होल्डर कंट्रोल बाय क्रिएटिंग इंडिविजुअल कंटेंट पेज व्हिच आर ASP.NET। अब आपका काम ये कि आपने ASP.NET पेज बनाने वो कंटेंट पेजेस होंगे डॉट ASP.NET फाइल एंड ऑप्शनली कोड बिहाइंड फाइल, पहले ASP.NET का कोड अलग होगा दैट आर बाउंड टू अ स्पेसिफिक मास्टर पेज, और आपका काम ये कि इसको एक स्पेसिफिक मास्टर पेज पे आपने लिखा। द बाइंडिंग इज एस्टैब्लिश्ड इन द करंट पेजेस
और बाइंडिंग कैसे करनी है एट द रेट पेज के बाद, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने करनी है वो ये है कि मास्टर पेजेस और जहाँ पे आपने रखा हुआ है उस पेज तक आपने कंटेंट का देना और उसका जो टाइटल है आप देना चाहते हैं वो दे। अब जैसे यहाँ पे मैं इसका एक और आसान तरीका दी है, लेट्स सपोज मैं एक साइट पे आऊँगा, लेट्स सपोज ऐड करूँगा, न्यू आइटम करूँगा। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जब आप यहाँ पे पेजेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही हैं। नीचे देखते जाएं ये जो से ये ASPX फाइल है, आप इसको ऐड करवाते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ ऐड, तो यू कैन सी दैट कि आपका ये पेज बिल्कुल अलोन है, इसमें वो डिज़ाइनिंग नहीं आ सकती है जो आपकी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका अलोन पेज है। अब इस चीज़ को कैसे कवर करेंगे, आप आएंगे यहाँ से कोड में आएंगे और जो आपको लाइन दी जा रही है, जैसे कि आप देखेंगे पेज लैंग्वेज सीशा कोड फाइल डिफ़ॉल्ट PX इनहेरिट सब कुछ आ रहा है, लेकिन अब आपने सिर्फ इसको चेंज करना है। आपने यहाँ पे एक लफ्ज़ डालना है, वो है मास्टर पेज फाइल इज इक्वल टू, आ जाए हम यही लफ्ज़ डालते, बाकी किसी चीज़ को आपने तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे मास्टर पेज लिखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे फौरन आप देखेंगे कि पिक मास्टर पेज है, आपका एक मास्टर पेज बना हुआ है, आपने उसको लिंक कर देना, ये उसकी लिंकिंग हो चुकी है। नाउ अच्छा कोड व्यू करेक्ट द प्रॉब्लम इन कोड व्यू, ये मास्टर पेज आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, क्योंकि अभी हमने और भी चीज़ें इसमें करनी है, इसलिए हम आगे चलते हैं ताकि आपको ये डिफाइन किया जा सके। यहाँ तक करने के बाद इन द कंटेंट पेज यू क्रिएट द कंटेंट बाय एडिंग द कंटेंट कंट्रोल एंड मैपिंग देम टू द कंटेंट प्लेस होल्डर, इसलिए आपका यहाँ पे एरर आ रहा है। और उसमें एरर अगर आपने गौर किया हो तो वो कुछ इस तरीके से है कि आप जब इसका डिज़ाइन में आते हैं तो द पेज कंटेन मार्कअप दैट इज़ नॉट वैलिड व्हेन अटैच्ड टू अ मास्टर पेज, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस मास्टर पेज के अंदर आपने लेट्स को ये क्या हुआ, मैं इस मेन्यू को थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मेरी ये लुक क्यों नहीं वहाँ पे आ पा रही, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि अगर आप सोर्स को देखें तो इसमें भी HTML हेड टाइटल बॉडी सारा कुछ आया हुआ, जबकि आपके मास्टर पेज के अंदर भी आप सोर्स में आएँ तो आपको HTML हेड टाइटल बॉडी सारे नज़र आ रहे हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक वेबसाइट के ऊपर दो दो HTML हेड बॉडी टैग हो, इस वजह से आपका ये एरर जनरेट हो। अब हम वापस आते हैं, इसको हमें सही करना है, तो लेट्स सपोज वापस आके अब इसको समझते हैं। वन दैट इज़ मैप्ड टू द कंटेंट प्लेस होल्डर मेन, अब जो हमने वो कंट्रोल बनाया था मेन वाला जो भी हमने उसके साथ हमने इसको मैप करना ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर चली जाए। कंट्रोल फुटर को हमने फुटर में करना है, एक और पेज बनाते हैं उसको फुटर में करना। द टू कंट्रोल्स कंटेंट, वन दैट इज मैप टू द कंटेंट मेन और सेकेंड वन जो है वो आपका ही है। एक अगर आप ज़रा गौर करें तो मास्टर पेज की फाइल के अंदर ए डॉट मास्टर है, उसके अंदर ASP.content प्लेस होल्डर आपने बनाया है, इसको मैप कैसे करेंगे, रिजल्टिंग पेज जो है वो दोनों के मिक्सचर से बनेगा, यानी इसके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन और ये यहाँ से रिट्राइव करेगा एंड देन इट विल बी द सेंड बैक टू दैट। आफ्टर क्रिएटिंग कंटेक्स्ट, अगर आपने मास्टर पेज बना ली है,
यू कैन ऐड टेक्स्ट एंड कंट्रोल टू देम। आपको ज़रूरत क्या है कि आपने उसके अंदर से बाकी सारी HTML वगैरह को डिलीट कर दें एंड जस्ट ऐड सम कंट्रोल देयर। टाइटल इज इक्वल टू, अब हमने वही जा रहे हैं और इस तरह की एक मैं आप सिर्फ अपने जो है कंटेंट पेज मस्ट लुक लाइक दिस, आपका जो पेज है वो कुछ इस तरह से नज़र आना चाहिए। मैं अगर थोड़ा सा टाइम की बचत करने के लिए ये मैं यहाँ से सारी चीज़ उड़ा दूँगा कंटेंट पेज की और मैं ये लिख दूँगा। अब ये था हमारा मेन और ये था हमारा फुटर। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि हमने अपनी कंटेंट फाइल के अंदर ऐसा ही किया। जो पहला हमारा था वो आपने गौर किया कि फुटर तो हमने रखा लेकिन हमारा मेन कहाँ गया। अगर आपकी फाइल के अंदर मास्टर पेज के अंदर आपका वो मेन वाला नहीं होगा तो वो बेसिकली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए अगर आप गौर करें, इसको मैं ज़रा फुटर कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं, ये फुटर इज इक्वल, लेकिन आप देखेंगे कि उसका एरर जो है वो अभी भी कंटेंट पे है। डिज़ाइन में वो कहता था पेज हैज़ वन और मोर ASP कंटेंट कंट्रोल डू नॉट कॉरिस्पॉन्ड टू द कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल इन द मास्टर पेज। वो बेसिकली मैप ही नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से आपका ये एरर आ रहा। तो इसको मैं रन एट सर्वर और मैं इसको एक और कंट्रोल में लेके इसको लेट्स पोस्ट मेन कर दूँ। अब आपने गौर किया तो वो मैपिंग जैसे ही हुई तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें जो थी वो आप यहाँ पे आ। और एक बात आपने ये देखी होगी कि इसमें आपको जो ये एरिया है इसके ऊपर ये जो रेड निशान आ रहा है इसका मतलब है कि ये आपको चेंज करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपने इसमें कुछ तब्दीली करनी है तो आपको मेन मास्टर पेज पर जाना होगा और फिर आपको इसकी तब्दीली करनी है। आई होप की बात समझ आ गई। So this is the end of the today's lecture. Inshallah, हम आगे इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। Thank you very much. Allah. इसको मैं की मैंने राम से करी तो जा सके जो कलर करी जा रहा था। सर वो वहाँ पीछे से करने था, उसे हमें टाइपिंग करवा रहे थे। कहाँ से करने थे? पीछे से। कहाँ से पीछे से? सर ये यहाँ पे मतलब यहाँ से भी तो कर सकते हैं। कर मैं यहाँ से टेबल ऐड किया था उस नहीं है ली पंजाब हाउस से। पंजाब हाउस कौन है सर? अच्छा क्रिएटिंग अ मास्टर पेज हो गया, कंटेंट पेजेस हो गए, क्रिएटिंग अ कंटेंट पेज हो गया, व्हाट आर नेस्टेड मास्टर पेजेस, एक से दूसरे पेजेस के ऊपर बात है, मास्टर पेजिंग टू द एग्जिस्टिंग वेबसाइट एंड अब ये मैंने आपका पूरा जो है ना कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है वो है एडिंग यूज़र कंट्रोल। आप लोग आज मास्टर पेज बना लें तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोल्स। बहुत अच्छे अच्छे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे कंट्रोल मिल जाते हैं और आपका ये जो है